हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होगे और मैं भी अच्छे से हूँ। और यहाँ पे नवमी का दिन है, नवरात्रि का नवमी का दिन, तो बस यहाँ पे कन्या भोजन की तैयारी हो रही है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रसाद। और मैं नहा के आई थी, मैंने सोचा फटाक से मैं चना छौंक देती हूँ क्योंकि इसको बनने में टाइम लगता है। चना ना छौंक के फिर मैंने कहा बाल अपने, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं चना छौंक रही हूँ और चना छौंकने के बाद फिर मुझे बनाना है हलवा। और प्रसाद में यही होता है, हलवा चना पूड़ी, तो मुझे बस यही बनाना है। और जब पूरा खाना बना लूँगी उसके बाद मैं रेडी होंगी। और क्योंकि खाना बनाने में फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं, आटा गूंदना होता है। और ये देखिए बन गया ये मेरा हलवा। और प्रसाद, जब माता का भोग बनाओ ना तो प्रसाद बहुत ही टेस्टी बनता है और हलवा चना तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ पर मैं गूँध रही हूँ आटा, और आटा काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। और जब खाना बनाना होता है ना काफ़ी हड़बड़ी सी होती है, लगता है जल्दी से खाना बन जाए, बस इतना सारा खाना है कैसे बनेगा। और यहाँ पे मेरे बेटे ने शूट किया, अब तो थोड़ा वो बड़ा हो गया ना, मेरा काम सुनता है। मैंने कहा बाबू थोड़ा सा शूट कर दो, थोड़ा सा वीडियो बना लो मेरा, क्योंकि होता है ना कि उधर वाला कैमरा रख लो, खिड़की की तरफ मैं रखती हूँ ना, तो बस उतना ही हिस्सा दिखता है, पूरा नहीं दिख पाता है। तो इधर हम लोग पूरा खाना बना के सब बना के ऊपर रख दिया था, ऊपर नीचे का सिस्टम हो जाता है ना, मेरे मंदिर नीचे है और खाना पीना ऊपर बनता है, किचन ऊपर है, मेरा रूम ऊपर है, बाकी सब नीचे है, नीचे नीचे मेरी सास भी हैं, मतलब सब हम लोग एक ही में ही है। और यहाँ पे मैं तुलसी में जल चढ़ाने आई थी ना, तो मेरा बेटा ना पीछे पीछे वीडियो लेके मतलब फ़ोन लेके आ गया था मेरा वीडियो शूट करने के लिए। और ऐसे ही कोई वीडियो शूट कर देता है ना तो फिर वीडियो बन जाता है, फिर अपने हाथ से नहीं हो पाता है, काम भी होता है वीडियो और मतलब वीडियो भी शूट करना होता है तो नहीं हो पाता है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग खिला रहे हैं कन्या, और बहुत ही अच्छा लगता है जब जिस दिन ये होता है ना कन्या भोजन, बहुत मज़ा आती है। अच्छे से खाना बनाओ। और मैंने लोगों को प्लेटें दी थी, जो देख रही है दिल वाली प्लेटें रखी हैं हार्ट शेप की, ये मैं प्लेटें लेके आई थी। और हलवा चना पूड़ी यहाँ पे सब कंजे के खा रही हैं। और बहुत मतलब वैसे तो 9 खिलाई जाती है, पर हमारे के बहुत सारे बच्चे हो गए तो पूरी 11 हो गई थी, और हम लोगों ने पूरी 11 ही कन्या खिलाई हैं। कितना अच्छा लगता है ना ये सब जब होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोग को व्लॉग और मेरे चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी आज मैं जाऊंगी अपने मायके, और वहाँ पे मतलब शादी भी है, और मेरे भाई की वहाँ शादी भी शुरू है, मतलब मेरे बड़ी मम्मी के जो लड़के हैं ना उनकी शादी है। तो अब थोड़े दिन उधर मैं शादी में रहूँगी, तो शादी के व्लॉग चाहिए कि नहीं चाहिए बताना आप सब। तो थोड़ा थोड़ा मैं शूट करके बना लिया करूँगी वहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आएगी। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट नहीं किया है, मैंने कहा चलो आराम से आप लोग को दिखा देते हैं। और ये थोड़ा ऐसे ही मतलब आ रहा है, ऐसे किसी ने शूट कर दिया है ये वीडियो। ये दूसरे फोन से बना हुआ वीडियो है यहाँ पे, मतलब ये मतलब हम लोग की रील्स भी इसमें की पड़ी है ना, तो ये मेरी नंद के फोन की वीडियो, उनकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी है ना, काफ़ी डार्क कलर भी हो गया है। और यहाँ पे हम लोग सब लोग खिलाने के बाद कन्याओं के पैर छू रहे हैं। कन्याएं जब आशीर्वाद देती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, कन्याओं का आशीर्वाद मिलता है। और आप लोगों की अभी होती होगी ना, बताइएगा कमेंट में। वैसे तो ये सबकी क्या ही होती है। और यहाँ पे भी मैं कुछ दे रही हूँ उन लोग को। और जो मेरी बेटी है ना, वो देखिए गोदी में चढ़ी है, उसने नहीं खाई है, वो सब जगह खाने जाती है पर उसने घर में नहीं खाई है अपने। इतनी सारी मतलब लड़कियाँ आ गई ना तो वो गुस्सा हो गई, मतलब वो ये कह रही थी ये सब मेरे घर में क्यों आ गई हैं, अब वो गुस्सा है, गोदी में चढ़ी है, उसने घर में अपनी नहीं खाई है। दोपहर का वीडियो है ये, जब मैं चेंज करके बैठी थी आराम से खिला खिला के, और ये मैडम कपड़े पहन के भी टहल रही थी, हम इसे कह रहे थे आज। और ये सुबह की क्लिप है, यहाँ पे मैं सेक रही हूँ पराठे, और आरफ को स्कूल जाना है ना तो उसी के लिए मैं पराठे यहाँ पे बना रही थी, तो मैंने सोचा इसके लिए दो पराठे जल्दी से सेक देते हैं क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता है बिल्कुल। तो
तो जल्दी से पहले दो ही सेकते हैं क्योंकि एक ही खा लेता है, एक इनको टिफ़िन में दे देते हैं। टिफ़िन में मैंने इनको जैम पराठा दिया था और सब्ज़ी नहीं बनाई थी, ऐसे होता है तो मैं दो आलू काट के इसके लिए छौंक देती हूँ, इसे जीरे वाले आलू, तो इसको बहुत पसंद है। और इस दिन मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी और जैम पराठा भी देते, इसको जैम पराठा भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे इनके लिए नाश्ता बना दिया है और मैं इनके लिए ले जाऊँगी नाश्ता अभी कमरे में। और ये देखो ये यहाँ पे ना सुबह सुबह ये काम लेके बैठा है, क्योंकि एक दिन पहले मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, क्योंकि नौमी के दिन था, उस दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि इसको मैं काम करवाऊँ। तो ये सुबह लेके बैठा है अपना काम करने के लिए, और काम ये कर रहा था, मैंने इसको नाश्ता खिला दिया था और काम ये खुद से कर रहा था। और यहाँ पे मैं इसको रेडी कर दूँगी सुबह, मतलब उसकी ड्रेस भी चेंज हो गई है, आप लोग को पता ही है ना कि पहले इसकी ब्लू कलर की ड्रेस थी, इस बार चेंज हो गई है, तो हम लोग इसकी ड्रेस नई लेके आए थे, काफ़ी दिन हो गए हैं, ये बहुत दिन से पहन के जा रहा है यही वाली। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा, आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, देख लीजिए और मेरे वीडियो को भी सपोर्ट करिए। पता है क्या, जब वीडियो पे अच्छे लाइक नहीं आते और अच्छे व्यूज़ नहीं जाते ना तो बिल्कुल मन भी नहीं करता है बनाने का, और जब अच्छे व्यूज़ जाते हैं ना तो मन करता है बनाने का। और अगर वीडियो को प्यार सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। हाँ, मैंने उस दिन अपने पैरों में आलता भी लगाया था, पर मैं दिखा ही नहीं पाई कि मैंने आलता भी लगाया, इसके लिए सॉरी। और आलता वीडियो तो उस दिन नहीं बनाया था क्योंकि इतना काम भी था घर में, वीडियो नहीं बना पाई थी, पर मैंने पैर में आलता ज़रूर लगाया था सॉरी, आलता ज़रूर लगाया था अपने पैरों में, बट मैंने नहीं दिखाया। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।